इंडिया गठबंधन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों से यह खबर आ रही है कि 6 तारीख की बैठक को लेकर जानकारी नहीं है। अगर बैठक इंडिया गठबंधन की बैठक 6 तारीख को हुई तो ममता गैर हाजिर रह सकती हैं। ऋतिक मंडल इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ऋतिक बताएं, ये इस बैठक से दूर रहने की बात जो की जा रही है, इसे ठीक पहले हमने देखा जो राज्यों के चुनाव के नतीजे आए उसको लेकर पहले ही दरारें दिख रही थी, तो केवल वाकई जानकारी नहीं थी या फिर कारण कुछ और हो सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल, तृणमूल कांग्रेस कल से जैसे ही ये चुनाव के नतीजे आए तब से कांग्रेस को एक तरफा उन्होंने जो है आक्रमण किया। और अब बड़ी खबर जो निकलकर आ रही है तृणमूल के हवाले से, सूत्र के हवाले से, कि 6 तारीख की जो मीटिंग की चर्चा है दिल्ली में बहुत खूब हो रही है, खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव के फैसले के नतीजे के बाद। तो अब जो सूत्रों के हवाले से खबरें मिल पा रही है कि तृणमूल कांग्रेस को और उनकी जो टॉप लीडर्स है उनको इस इंडिया अलायंस के ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग के बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। हमारे दर्शकों को हम बता दें, उस वक्त पे इन्हें 6 दिसंबर जब ये मीटिंग का समय निर्धारित किया गया है राजधानी दिल्ली में, उस दौरान चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी वो उत्तर बंगाल के एक सफर में रहेंगे, उसके साथ साथ अभिषेक बनर्जी भी उनके साथ वहीं पर रहेंगी। तो ये जो है वहां पर कोई गुंजाइश नहीं है कि उस वक्त पर दिल्ली में जाने की उनकी कोई मनोकामनाएं हैं। उसके साथ साथ एक बहुत ही अहम खबर जो है निकल कर आ रही है, यानी हो सकता है तृणमूल कांग्रेस की पार्टिसिपेशन उसमें हम नहीं दिखे, और तृणमूल कांग्रेस आज भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा है उसकी जो चलिए चुनावी नतीजे आने के बाद से। वैसे भी गठबंधन में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा था, लेकिन देखना है कि बैठकों के जरिए क्या होता है।